हाल ही में रणवीर सिंह ने टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात की। ऐसे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर धोनी के साथ फोटो शेयर की है, जो अब तेजी से वायरल हो रही है। एक फोटो में वो धोनी को किस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फोटो के साथ उन्होंने लिखा, मेरा माही, साथ ही हार्ट इमोजी बनाई है। सलमान खान ने की आमिर खान की बेटी आयरा की तारीफ। दरअसल सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें आयरा इमोशनल हाइजीन और मेंटल हेल्थ पर बात कर रही है। वीडियो पोस्ट करते हुए सलमान ने आयरा के लिए लिखा, कमाल है यार, बच्चे बड़े हो गए, बड़े स्ट्रॉन्ग हो गए और बहुत समझदार भी। मुझे ये पसंद आया, भगवान आपको आशीर्वाद दे बेटा। ऐश्वर्या राय हाल ही में एक इवेंट में शामिल हुई। ब्लैक आउटफिट में बेहद खूबसूरत दिख रही थी बच्चन परिवार की बहू, लेकिन सोशल मीडिया पर हो गई बॉडी शेमिंग का शिकार। डालिए कुछ कमेंट्स पर नजर। आलिया भट्ट ने अपनी नई फिल्म जिगरा की शूटिंग की शुरुआत कर दी है, जिसकी कुछ फोटो शेयर कर उन्होंने फैंस के साथ इसकी जानकारी शेयर की, जिस पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं। सुपरस्टार सलमान खान और सिंगिंग सेंसेशन अरिजीत सिंह के बीच कई सालों से मनमुटाव है, ऐसा माना जाता है। लेकिन अभी एक ऐसा वाकया हुआ जिससे फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि सलमान खान और अरिजीत सिंह के बीच के सारे गिले शिकवे मिट गए हैं। दरअसल अरिजीत सिंह की गाड़ी को सलमान खान के घर के पास स्पॉट किया गया, तो हो सकता है कि अरिजीत भाईजान से मिलने गए हो। क्या दोनों एक साथ कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं? ऐसा सवाल भी सोशल मीडिया यूजर्स पूछ रहे हैं। अक्षय कुमार इन दिनों फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू को लेकर चर्चा में बने हैं। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज होगी और इस फिल्म से सेंसर बोर्ड बहुत ही खुश है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CBFC के मेंबर्स को फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। उन्होंने इसे इमोशनल और इंस्पायरिंग फिल्म बताया। बॉबी देओल ने अपने भतीजे राजवीर देओल के साथ फोटो शेयर कर उन पर प्यार बरसाया है, साथ ही अपने पुराने दिन को याद कर इमोशनल हो गए। दरअसल सनी पाजी के बेटे राजवीर की डेब्यू फिल्म दोनों आज रिलीज हो गई है। ऐसे में उन्हें गुड विशेस देते हुए उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया। एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए कियारा अडवाणी और वरुण धवन। एक्टर के साथ उनकी माँ भी नजर आई। ऐसे में कियारा ने वरुण की माँ को हग किया और ये प्यारा नजारा कैमरा में कैद हो गया, जो अब खूब वायरल हो रहा है। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने सिंगर मीका सिंह के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल मीका ने जैकलीन की फोटो पर कुछ टिप्पणी की, जिसकी वजह से सुकेश ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर हॉलीवुड स्टार के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। इस पोस्ट पर टिप्पणी कर मीका सिंह ने सनसनी मचा दी थी। फुकरे 3 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और जमकर कमाई भी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 66.40 करोड़ रुपए हो गया है।